और खा करके भी मन में विचार ना रखे तो फिर शरीर की होती है, मन की नहीं होती है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? ओम दीदी जी, जी इसमें आपने बताया आहार, यज्ञ, तप, दक्षिणा, दान और व्यवहार, इन चीजों से प्रकृति तय होती है। तो प्रकृति इन चीजों से तय होती है, प्रगति नहीं प्रकृति। प्रकृति, हाँ। तो इसमें ये है कि थोड़ा और इसको विशेष बताओ। आहार में तो पता चल जाता है, फिर बाद में व्यवहार में भी पता चलता है, तो मिक्स है मतलब एक तरीके से। हाँ है ही, मिक्सअप ही है हमारा। तो एक चीज कहाँ पता चली? नहीं, ये तो पता चला ना, मिक्सअप है। लेकिन अब अगला काम क्या है? सात्विक बनाने का। लेकिन ऐसा भी है क्या, पहले तामसिक से राजसिक में आना पड़ता है फिर? ना ना ना, ऐसा नहीं है। स्टेप वाइज ऐसे नहीं है। अच्छा। और बिल्कुल एक जैसा होता भी नहीं है। जो घोर तामसिक है ना, उनमें तमस की प्रधानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सात्विक वस्तुओं के घोर शत्रु हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें तो सात्विक लेते हैं वो भी, ऐसे ही राजसिक में भी कुछ तो मिक्सअप ही होता है। हमारी जो प्रकृति होती है और हमारे जो कर्म होते हैं, मिश्रित कर्म योग दर्शन में पढ़ा ना, शुक्ला शुक्ल। तो अब हमें इतना तो पता कब लगा? जब हमने ध्यान दिया तब पता लगा। हमें गीताकार ने बताया कि ये सात्विक श्रेणी में आएंगे आपके आहार, ये वाले आहार राजसिक में आएंगे। तामस का तो यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। अगर कोई बाहर संसार में करता है तो उसको पता लगेगा ये तामसिक आहार की श्रेणी में आएगा मेरा। ये मेरे कर्म सात्विक श्रेणी के हैं जो मैं करता हूं दिन भर, ये राजसिक श्रेणी के हैं, ये तामस श्रेणी के हैं। ये मेरे विचार सात्विक श्रेणी के हैं, ये राजसिक श्रेणी के हैं, ये तामसिक श्रेणी के हैं। ये मेरे हृदय में भाव इन इन व्यक्तियों के प्रति सात्विक कोटि के भाव हैं, ये जो भाव इन लोगों के प्रति हैं ये राजसिक कोटि के हैं, और एक दो कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति होता है जिनके प्रति तामसिक भाव होते हैं हमारे। अब ये हमें पता लगा गीता पढ़ने से। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है, राजसिक और तामसिक को हटाना है और कोशिश करनी है उसको सात्विक बनाने की। ये अगला प्रयास, और वो भी जरूरी नहीं उसे एक दिन में ना हो, दो दिन में ना हो, एक महीने में ना हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हम जैसा चाहते हैं हमारे आसपास वैसी परिस्थितियां ना बने तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को हमेशा एक ही निर्देश देते रहना है कि हर परिस्थिति में मैं प्रसन्न तो रह ही सकता हूं, और ये कोशिश तो मुझे ही करनी पड़ेगी। ये पुरुषार्थ मुझे ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा मेरे लिए नहीं कर देगा। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी हाल काल क्यों ना हो, उसमें हम खुश रह सकते हैं, उसमें हम बैलेंस संतुलित रह सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। और ज्यादा चीजें भी हमारे वश में नहीं है। यदि मान लीजिए कि अभी हम सात्विक श्रेणी के विचार नहीं कर पा रहे हैं, कुछ विचार राजसिक तामसिक भी आते हैं, माना कि अभी हम 100% सात्विक श्रेणी का आहार नहीं खा रहे हैं, तो उसको खाते हुए भी अपने चित्त को परेशान ना होने देना और सात्विक के लिए पुरुषार्थ करते रहना, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो वैसा ही करना फिर, तो उसमें परेशान भी नहीं होना है कि जान तो लिया तो हो तो नहीं पा रहा है, हो तो नहीं पा रहा। फिर दूसरे भी कह रहे हैं हाँ मेरे से भी नहीं हो पा रहा, फिर तीसरे ने कहा मेरे से भी नहीं हो पा रहा, तो हमने अपने आसपास वायुमंडल क्या बना लिया, नहीं हो पा रहा। और वो इतना स्ट्रोंग हो जाएगा फिर नहीं ही हो पाएगा। इसलिए भाव हमेशा वो ही रखना है और विचार वो ही रखना है, अच्छे वाला ही रखना है। हो रहा है, काफी सुधार हुआ है, अभी भी हो रहा है,
बहुत जल्दी ये सब नेगेटिविटी हट जाएगी, तो उससे फिर अलग तरह की एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो और आप खोजोगे तो और आपकी सहायता होगी और हमारे से होगी उतनी हम भी करेंगे। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, शारीरिक तप। शारीरिक तप क्या है? शारीरिक तप में क्या क्या आता है? देव पूजन। देव कौन है? देव कौन है? जो देने वाले हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा हुई। देने वाले कौन है? कौन देते हैं हमें? नहीं नहीं, कौन कौन देते हैं? कौन कौन देते हैं हमारे को? वायु, सूर्य, चंद्र, हाँ, पृथ्वी, माता पिता और जल, गुरु, आकाश, पंचभूत दे रहे हैं। और हाँ, पंचभूत में आ तो गई सृष्टि, पूरी सृष्टि पंचभूत है, कित बात है। 33 देव बताए हैं उपनिषद में ना, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये 13 देव बताए हैं। ठीक है, 12 आदित्य, 11 रुद्र। 11 रुद्र मतलब ये 11 इंद्रियां ही हैं जिनके बाहर निकलने पे रुलाते हैं ना, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। 8 वसु, 11 और 12 कितने हो गए? 23। 23 और 8 वसु, 23 और 8 और 2 अश्विनी कुमार, 33। तो जो आपने ये सुना होगा ना 33 करोड़ देवी देवता, ऐसे सुना कभी? तो वो करोड़ नहीं होता है, वो है 33 कोटि। कोटि का अर्थ एक होता है करोड़, और कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार। ऐसे बोलते हैं ना हम, साधारण कोटि का व्यक्ति है, उच्च कोटि का व्यक्ति है, उसका चरित्र उच्च कोटि का है, तो कोटि मतलब प्रकार। तो यहाँ 33 प्रकार ये अर्थ है, कोटि शब्द के 2 अर्थ हैं, तो यहाँ पर करोड़ अर्थ नहीं है, यहाँ पर प्रकार अर्थ है। तो इन 33 के 33 प्रकार के जो देवता हैं, इनका जो पूजन करता है, इनका पूजन मतलब इनको स्वस्थ रखता है, इनका सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है, इनके साथ जैसा यथा योग्य श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार करता है, तो ये हो गया देव पूजन। तो ये क्या है? शारीरिक तप। अपने 33 प्रकार के देवताओं को के साथ यथा योग्य सम्मान का, श्रद्धा का, प्रीति का, आदर का भाव रखना, ये ही उनका पूजन है। फिर कहा द्विज पूजनम। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हो चुका है, एक बार जन्म तो सबका शरीर से हो ही चुका है मां के गर्भ से, और द्विज दोबारा जन्म किसका हुआ? जो गुरु के गर्भ में बिना उछल कूद किए बिल्कुल गुरु आज्ञा में रहा, तो फिर गुरु की कृपा से जिसका दूसरा जन्म हो गया है। दूसरा जन्म होना मतलब जो ज्ञान से संपन्न हो गया, विद्या से संपन्न हो गया, व्रतों से संपन्न हो गया, जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, उसको कहेंगे द्विज। प्राणापान जी। तो द्विज का पूजन करना माने ऐसे जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, इसमें गुरु तो क्योंकि आगे ले रहे हैं अलग से, इसलिए द्विज में गुरु को नहीं लिया। तो यहाँ ऐसे व्यक्तियों का, हमारे गुरु से अतिरिक्त जो ऐसे व्यक्ति हैं जो द्विज बन चुके हैं, उनका पूजन करना। उनका पूजन करना मतलब उनका आदर करना, क्योंकि वो एक तप की भट्टी में से गुजरे हैं, तो वो आदर के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, वो उन्होंने तप किया है, उन्होंने अपने आप को साधा है,
तो उन द्विजों का पूजन माने, उनके साथ यथा योग्य आदर का, सम्मान का, प्रीति का व्यवहार करना, उनके साथ श्रद्धा का व्यवहार करना, यही उनका पूजन है। और फिर गुरु पूजनम, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। आपको रथ पढ़ाया था ना मैंने, विजय रथ। तो श्री राम ने क्या बताया था, अभेद कवच क्या है मेरा, मैंने ऐसा कवच पहन रखा है जिसको कोई भेद नहीं सकता है, और वो कवच कौन सा है, विप्र गुरु पूजा, विप्रों की पूजा, गुरुजनों की पूजा। तो वहां विप्र कहा था, यहाँ पर कह दिया द्विज, गुरु राज्य ये कह दिया। तो गुरुजनों का पूजन मतलब क्या, गुरु मतलब कौन, माता पिता, और जो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी आत्मा का उत्थान करने में हमारे सहायक बने हैं, जो वो हमारे गुरु हैं। तो उनका पूजन, उनके साथ यथा योग्य प्रीति पूर्वक श्रद्धा भक्ति और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, और प्राज्य पूजनम, प्राज्य मतलब जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया वो ही प्रज्ञावान है। प्राज्य का मतलब यहाँ जिसने व्याकरण दर्शन पढ़ लिया उसके लिए यहाँ नहीं कहा गया है, शब्दवित के लिए यहाँ प्राज्य नहीं कहा गया है। प्राज्य का मतलब है जिसने उस शब्द ज्ञान को अपने आचरण में उतार लिया है, जिसका शब्द ज्ञान और जिसका आचरण एक हो गया है। तो ऐसे ये जो लोग हैं समाज में हैं, हमारे आसपास रहते हैं, देश में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे वो हमारे संप्रदाय के हैं, चाहे वो हमारे संप्रदाय के नहीं भी हैं, तो उन सब के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, सम्मान का ही व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति एक आदर का भाव होना चाहिए, सब महापुरुषों के प्रति, सब गुरुजनों के प्रति, सब द्विज और प्राज्यों के प्रति, और उनके प्रति एक प्रीति का भाव होना चाहिए, मुदिता का भाव होना चाहिए, उनको देख करके हर्षित होना चाहिए। जैसे दलाई लामा जी जब दिखते हैं तो उनको देख करके कैसा भाव आना चाहिए, और कैसा आता है, प्रसन्नता का भाव आता है। तो यद्यपि वो तो दूसरे देश से आए हैं तो भी हमारे लिए क्या है, आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने साधना की है। कभी आपने सुना है उनको या देखा है, कभी फोटो देखी है, तो बहुत मतलब प्रीति करने वाले व्यक्ति हैं, करुणा प्रेम वाले व्यक्ति हैं, मतलब बहुत उनको बहुत उच्च कोटि के साधक या योगी कहा जा सकता है। तो ऐसे को ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, तो वो मुझे मालूम नहीं है, और वो कई बार आरोप भी लगा देते हैं तो उसके बारे में कह नहीं सकते हैं। वैसे आरोप तो हमारे स्वामी जी के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो लोगों की, एक तो लोगों की अपने व्यू होते हैं, अपनी धारणा होती है, और एक किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो चलो यहाँ पर उसको किसी नाम को लेस कर देते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का है, जो देव कोटि का है, द्विज कोटि का है, गुरु कोटि का है, प्राज्य है, उन सब का हमें क्या करना चाहिए, पूजन। तो ये क्या है, शारीरिक तप, इसको शारीरिक तप कहा है। शरीर का तप, हमने तो ये समझा था कि शरीर को कष्ट देना शारीरिक तप है, जब भूख लगे तो उसको खाना मत दो, शरीर को सुखा दो कांटे की तरह से, ये शारीरिक तप है, ऐसा ही सुना ना हमने। तो गीताकार उसको तप नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसकी तो निंदा की है, पीछे निंदा की है ना उसकी, मनमाना, ये देखो ना यहाँ पर कहा था कि वो मेरे को भी तंग करते हैं, कर्षयन्ते शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां च अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चयन्। 6 नंबर श्लोक में बताया था। तो गीताकार उसको तप नहीं कहते हैं, जिसको लोक में तप कहा जाता है, भाई ये तो तप कर रहा है, खाना ही नहीं खा रहा एक महीने से। तो गीताकार कह रहे हैं नहीं, वो इंद्रियों को भी सता रहा है और आत्मा को भी सता रहा है, और उस आत्मा के अंदर बैठे परमात्मा को, मुझको भी सता रहा है। तप ये किसको कहते हैं, ये तप कहते हैं देव, द्विज, गुरु और प्राज्य लोगों का पूजन, उनके साथ यथा योग्य अच्छा व्यवहार करना, यही क्या है, ये शारीरिक तप है, क्योंकि वो एक शरीर
है ना, उस शरीर को देख करके हम उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करें। अगर हम उसके साथ यथा योग्य व्यवहार नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति की तो कुछ भी हानि नहीं होती है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। पर हमें उससे जो मिल सकती थी एनर्जी वो हमें नहीं मिलती, हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारे तप की कमी के कारण है, तो हमें ये तप करना है। दूसरा तप क्या करना है? शौचम, शुचिता, इसको भी शारीरिक तप कहा है। तो क्योंकि यहां पर ये शारीरिक तप की बात चल रही है, इसलिए यहां हम शुचिता को बाह्य दृष्टि वाली शुचिता ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि मन वाला आगे आएगा। फिर जो हमने नियमों में जो शौच संतोष है, शुचिता जो वहां पड़ी है, उसमें हमने तीनों लिए हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, बौद्धिक भी, अंदर की भी, बाहर की भी, सब प्रकार की शुचिता। लेकिन क्योंकि यहाँ शारीरिक तप का वर्णन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बाह्य दृष्टि की शुचिता। बाह्य दृष्टि से सब कुछ कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो बाह्य दृष्टि में क्या क्या आ जाते हैं? शरीर, वाणी, व्यवहार, स्थान, आहार, ये सब बाह्य उसमें आ जाते हैं। तो इनमें क्या होनी चाहिए? शुचिता, अशुचिता नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्या है? शारीरिक तप। जिस कक्ष में आप रहते हैं वो कक्ष कैसा रहना चाहिए? शुचि। भले ही वो घर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। कई बार लोग करोड़ों रुपए का ऐसा बड़ा बंगला तो बना देते हैं पर उसको साफ नहीं रखते हैं, तो फिर वो तप नहीं करते हैं उसमें रहने वाले व्यक्ति। कभी किसी का घर तो छोटा होता है लेकिन बिल्कुल चमचमाता रहता है। और जरूरी नहीं है कि घर पक्का हो, कच्चे मकान भी, कच्चे मकान को भी उससे गोबर आदि से लेपन करके और इतना साफ सुथरा रखते हैं कि वहां जाए तो बैठने की इच्छा होती है, वहां बैठकर खाने की इच्छा होती है। तो इसका मतलब वो लोग शारीरिक तप कर रहे हैं, शुचिता। जिस स्थान में रहते हैं, जिस स्थान में खाना बनाते हैं, जिस स्थान में यजन करते हैं, जिस स्थान में बैठ के पढ़ाई करते हैं, जिस भी स्थान का हम जिस भी रूप में प्रयोग करते हैं, जिस स्थान में हम अपनी गाय को रखते हैं, गौशाला है हमारी, कोई भी स्थान, चाहे आपका खेत है, खेत भी जिसमें बहुत खरपतवार खड़ा हो उस खेत को देख के अच्छा नहीं लगता है। जिस खेत में एक भी खरपतवार नहीं है उस खेत को देख करके प्रसन्नता होती है, कितना साफ सुथरी खेती की है। तो ये शुचिता में आएगा। ऐसे ही हमारे वस्त्र कैसे हों? साफ सुथरे हों, और बहुत कीमती हों ये नहीं, पर जो वस्त्र है वो कैसे होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए, अपवित्र नहीं होने चाहिए। और हमारी वाणी भी कैसी हो? पवित्र हो। वाणी पवित्र तब होगी जब बोलने से पहले एक सेकंड के लिए पोज ले लिया जाए कि ये बोलने से क्या परिणाम आने वाला है। तो कई बार आपकी जुबान तक तो कोई शब्द आ गए लेकिन आपने उनको बोला नहीं कि ये यदि बोल दूंगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे तौल के बोलना, तो ये वाणी की शुचिता है। फिर ऐसे व्यवहार की शुचिता। व्यवहार की शुचिता क्या कहती है? इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे को गाली निकाली, इसने मेरे को अपशब्द कहे, इसने अब्यूज किया मेरे को, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ लोभ का व्यवहार किया, इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, इसने मेरी चोरी की, इसने मेरी शिकायत लगाई, इसने जो भी किया, अब मुझे क्या करना है? ये मेरा व्यवहार है। वो तो उसका व्यवहार था, जो कुछ उसने किया वो किसका व्यवहार था? उसका। तो वो उसने जो किया उसका सारा हिसाब किताब किसके अकाउंट में जाएगा? उसके अकाउंट में। और मुझे कैसे, मेरे व्यवहार की शुचिता क्या है? अच्छे के साथ तो कोई भी अच्छा कर लेगा। जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, तो उसमें कोई जोर थोड़ी लगता है। कोई आपसे प्रीति पूर्वक बात करे तो आप भी उत्तर कैसे देंगे? प्रीति पूर्वक ही देंगे। और उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं करना पड़ता, सहज है वो तो।
छोटा बच्चा भी कर लेगा उसको। छोटे बच्चे को कोई प्रेम से अपने पास बुलाते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, तो बच्चा भी क्या करता है, उनके पास चला जाता है। भले ही वो अपने घर वालों के शत्रु भी क्यों ना हो, बच्चे को नहीं पता, उसके साथ जो अच्छा करता है वो भी उसके पास चला जाता है। लेकिन साधक या तप, तप किसको कहेंगे, जिसने अच्छा नहीं किया उसको भी हम अच्छा रिस्पॉन्स दें, ये। और ये अच्छा रिस्पॉन्स मतलब इसका ये अभिप्राय नहीं है कि जिसने गलत किया तो अब उसको हमें ठीक ही नहीं करना है। मन में दुर्भाव ना रखते हुए यथा योग्य व्यवहार करना, ये फिर शारीरिक तप में आएगा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि चलो आतंकवादियों ने तो आतंक फैला ही दिया, गलत कर ही दिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई उत्तर नहीं देना है आतंकवादी को, ये नहीं कहा जा रहा है। शारीरिक तप आप उसको उत्तर दें जिससे उसका कल्याण हो, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे सारी समष्टि का कल्याण हो, वैसा ही उत्तर आप उसको दें। लेकिन अपने चित्त में पवित्रता का भाव रखते हुए, दुर्भाव ना रखते हुए। तो इसको क्या कहा गीताकार ने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा इसको, शारीरिक तप कहा इसको, ये तप है, तप के बिना ये नहीं हो सकता है। अगर तप नहीं है हमारे जीवन में तो फिर हमारे से जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, टिट फॉर टैट वाला ही होता है। जी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने भी ऐसा किया, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया मेरे को ऐसा करने के लिए। तो हम सामान्य रूप से 99% वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अगला हमारे साथ करता है। हमें याद भी आता है तो तब आता है जब हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर चुके होते हैं। पहले उसने हमारे साथ गलत किया, हमने भी रिस्पॉन्स वैसा ही दे दिया उसको, हमने भी गलती ही किया, फिर हमारे को याद आता है, अरे हम तो गीता में तो मैंने ये सुना था कि जो गलत करे उसके साथ भी जो अच्छा करे ये शारीरिक तप है। लेकिन ये याद कब आया, जब हो चुका, तो अब हो चुका, फिर अगला आता है पश्चाताप। अब पश्चाताप नहीं, अब आगे वाले की तैयारी करनी है, अगले वाले की रिहर्सल कर लो। आज इस व्यक्ति ने गलत किया है, जरूरी नहीं है कि अगली बार ये गलत करेगा तब मुझे ऐसा इसके साथ व्यवहार करना है, ऐसा नहीं। अब इसकी जगह कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आएगा, आते ही रहते हैं जीवन में। तो अब पक्की तैयारी कर लो कि अब की बार जो भी आएगा, जो भी इस तरह का कोई व्यवहार करेगा जो मुझे ठीक नहीं लगता है, उसके साथ मुझे कैसे करना है, मेरे अनुसार करना है, जो मेरे लिए शुचिता से भरा हुआ है। क्योंकि मुझे क्या करना है, शारीरिक तप, मुझे तपस्वी बनना है। तो तप का मतलब इन्होंने भूखा रहना नहीं बताया है, तो शौचम आर्जवम ये उसी से जुड़ा हुआ है। ऋजु कौन होगा, सरल कौन होगा, जो पवित्र होगा, जिसका अंतःकरण पवित्र होता है वही तो सरल होता है। जिसका अंतःकरण अशुद्ध होता है, गंदा होता है, तो वो कैसा होता है, वो व्यक्ति का व्यवहार कुटिल होता है, बहुत जटिल होता है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। बोलता बहुत अच्छा अच्छा, बहुत प्रिय प्रिय बोलता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बोलता है, लेकिन आचरण बिल्कुल जलेबी जैसे करता है, गोल गोल, तो ये बड़ा कठिन होता है फिर। इसलिए ऋजु कौन व्यक्ति हो सकता है, सरल कौन हो सकता है, जिसका अंतःकरण बच्चे जैसा होगा। बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, सरल होता है, ऋजु होता है, इसलिए वो सबको प्रिय लगता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है, सरल बन के रहना, कभी किसी को ना उलझा के नहीं रखना, किसी को बुद्धू बनाने की कोशिश नहीं करना। हमारा अंतःकरण इतना जटिल होता है, इतना कुटिल होता है कि मतलब हम भगवान जी के साथ भी कुटिलता किए बिना चूकते नहीं है। जो सबसे पुराने नोट होंगे वो जाके मंदिर में चढ़ाते हैं। किसके साथ चीटिंग है ये, भगवान जी के साथ, कौन सा ये कौन सा देख रही है, मतलब वहां भी चीटिंग। फटा हुआ नोट होगा वो आरती में रख देंगे पुजारी, 500 का नोट जो फटा हुआ था, जो नकली था, नकली और तो कहीं चला नहीं, आरती में चल जाएगा। पंडित जी बोलेंगे 500, किसके साथ चीटिंग है ये,
ना पंडित जी के साथ है ना भगवान के साथ है, ये अपने ही साथ है। ये जटिलता व्यक्ति कब करता है? जब अंतःकरण शुचि ना हो, अपवित्र हो, बस में जा रहे हैं, टीटी को धोखा दे दिया, बोले हमने टिकट ली नहीं, जब वो आया टीटी चेक करने तो हम वॉशरूम चले गए, जब टीटी आगे निकल गया तो हम वॉशरूम से बाहर आकर के बैठ गए, छुट्टी, पता ही नहीं चला। तो टीटी के साथ चीटिंग थोड़ी है, ये अपने ही साथ है। टीटी भूल भी जाए तो आप दें उसको बुला करके। तो इन्होंने ये तीन प्रकार के तप के ऊपर आज हमने चर्चा की, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम और जवम, सरलता। दो प्रकार का तप और है शारीरिक तप में, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरी, पीर हरो, 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 हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, ॐ श्री गुरुभ्यो